हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 16 से लेकर के 23 दिसंबर 2023 तक। अब गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज लास्ट में हम लोग इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके, साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि COP28 मीटिंग जो है ये कंक्लूड हो गई है। अगर हम गाइस हाईलाइट देखें तो COP28 जो है एक 2 हफ्ते लॉन्ग मीटिंग हुई थी दुबई में, एंड कंक्लूड हुई 13 दिसंबर को, जहां पे अलग अलग नेशंस जो है वो एक साथ आए क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो जो COP28 के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे सुल्तान अल जबर, उन्होंने हाईलाइट किया समिट की अचीवमेंट्स को और एम्फोसाइज किया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है कम करना है और टारगेट किया 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, एंड सेटअप किया जो पेरिस डील में 2015 में 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा एम था, वही उसे अचीव करने की जो है वो महीने बात करी है। नेक्स्ट न्यूज है गाइस, बीसीसीआई ने डिसाइड किया है टू रिटायर महेंद्र सिंह धोनी का आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी। एक बहुत जो है हम बोल सकते हैं मूव जो है वो लिया गया बीसीसीआई की तरफ से ट्रिब्यूट देने के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट लेजेंड एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज MS धोनी। उनका जो आइकॉनिक नंबर 7 का जर्नी है, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये डिसीजन जो है ये प्रेसिडेंट जो सचिन तेंदुलकर का नंबर 10 जो है वो जब लिया गया था 2017 में, उसके बाद जो है ये नंबर 7 के लिए डिसीजन लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना लास्ट अपियरेंस जो है इंडियन जर्सी में बाय द नंबर 7 दिया था 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब मैच हुई थी। ये डिसीजन रिटायरमेंट का जर्सी एक पॉइंट टच देगा उनके बहुत इलस्ट्रस करियर को, साथ ही साथ ये एक सिंबॉलिक जेस्चर रहेगा जो उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है, जो एक क्रिकेट लेजेंड है उनके लिए जो है एक स्पेसिफिकली एक इंडिसिबल मार्क जो है वो सेट करेगा फॉर द स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना ने लॉन्च किया डीपेस्ट लैब ऑन द अर्थ मोर देन 2000 मीटर बिलो द ग्राउंड सर्फेस। चाइना ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया फिजिक्स में, जहां पे ऑपरेशनाइजेशन जो है वो होगा विद द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी। एंड अगर हम रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो एक फिजिक्स लैबोरेटरी जिसका नाम होगा डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर द फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि DURF, ये 2400 मीटर्स जो है डिगिन करी गई है। जॉइंटली बिल्ट बाय सिंगवा यूनिवर्सिटी एंड येलोंग रिवर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो एक यूनिक टेस्टिंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगा जो साइंटिस्ट को दुनिया में और कहीं पे नहीं मिले। अब ये क्यों किया गया है, ताकि ग्लोबल रिसर्च हो सके डार्क मैटर के लिए, मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ मैटर जो हमें स्पेसिफिकली जो इंटरैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है वो हमें वहां से रिसर्च करने के लिए ऑप्शंस मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, पार्लियामेंट ने ग्रीन लाइट किया है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को तेलंगाना में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023, जो राज्यसभा में पास हो गया, प्रीवियसली लोकसभा में पास हो गया था। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल रीजन्स में प्रोवाइड किया जा सके और ट्राइबल के जो लोग हैं उनको इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट मिल सके। जो मिनिस्टर प्रधान है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि सरकार लगातार एफर्ट्स लेती आ रही है कि कैसे हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरीन कर सके, एंड जो सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं कंट्री में हम उन्हें क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे सके। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया वाराणसी का सर्ववेद महामंदिर, जो दुनिया का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर होगा। अब मेडिटेशन सेंटर जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हिस्टोरिक मोमेंट था ये देश के लिए, जहाँ पे टेंपल का जो नाम है सर्ववेद, ये एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट हुआ करता था जो लिखा गया था सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज के द्वारा। ये एक इटर्नल योगी थे एंड फाउंडर थे विहंगम योगा के।
ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड सेंटर जो है 7 फ्लोर्स का बनाया गया है, जिसमें एक टाइम पे 20,000 डिवोटीज जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल मार्बल क्रेवेंस देखने को मिलती है उसके स्ट्रक्चर पे, एंड लोटस जो शेप है इसका, डोम का जो शेप है वो है लोटस डोम, जो रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ वाराणसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, सूरत डायमंड बोर्स इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है ये अगेन हिस्टोरिक मोमेंट बन गया इंडिया के लिए, बिकॉज ये अब बन चुका है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। इसने सरपास किया है पेंटागन को एंड बन गया है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है इम्प्रेसिव 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट में स्प्रेडेड आउट है, एंड इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो है 32 बिलियन रुपीज। एंड आइकॉनिक पेंटागन एक अमेरिकन पावर बिल्डिंग हुआ करता था जो 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट में स्प्रेडेड है। तो अब ये सूरत डायमंड बोर्ड 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट में है, इसलिए ये बन गया है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट न्यूज है, भाषिनी एआई ने ट्रांसलेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच को इनटू वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। अब अगर हम देखें तो आजकल एआई का जो है स्पेसिफिकली एरा चल रहा है जहाँ पे एआई काफी चीजों में यूज हो रहा है, तो सेम चीज जो है एक स्पीच टूल की जैसे यूज करी गई यूपी में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना स्पीच दे रहे थे। ये एक ऐसा टूल है जो डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि रियल टाइम ट्रांसलेशन हो सके एंड कम्युनिकेशन अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के साथ आसान हो जाए। भाषिनी एक एआई ड्रीवन लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, स्पेसिफिकली जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है उसे इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ताकि लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो चीज बोली जा रही है उसे आसानी से समझ सके और लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक डाउन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आनंद मैरिज एक्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है ऑन फुलफिलिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो सिख कम्युनिटी की थी बाय इंप्लीमेंटिंग द आनंद मैरिज एक्ट। ये एक्ट जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगा सिख मैरिज रिचुअल्स को, जिसके बाद सिख कपल्स जो है वो अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर स्पेसिफिक रेगुलेशंस इंस्टेड ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये सेट ऑफ रेगुलेशंस जो है इनका टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2023, जो आउटलाइन करेगा कि आनंद मैरिजेस को रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर होगा। एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया था 30 नवंबर को सारे तहसीलदार को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शंस जो रजिस्ट्रार्स के जैसे सर्व करेंगे इस टाइप के मैरिजेस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, पार्लियामेंट ने पास कर लिया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। इसने रिप्लेस किया इंडिया के 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप देखने को मिला जहां पे न्यू लेजिस्लेचर जो है एम कर रहा है कि हम कैसे मॉडर्नाइजेशन लेके आ सके इंडिया में एंड कंसोलिडेट कर सके इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क को एंड गवर्न कर सके पोस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंडिया। इस बिल के हिसाब से पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो ओपन कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं या इंटरसेप्ट कर सकते हैं किसी भी आइटम को ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। साथ ही साथ जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करी गई है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को फ्रॉम लाइबिलिटी इन डिलीवरिंग द सर्विसेज, एंड बिल्स में सारे कंडीशंस भी मेंशन है। ऑफिसर्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा अंटिल एंड अनलेस उन्होंने फ्रॉडिनेंटली एक्ट किया है या जानबूझ के लॉस डिले या मिस डिलीवरी की है, सर्विसेज में कहीं से डिले हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना जो है इट इज हिट बाय द डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन द 13 ईयर्स। अप्रोक्सीमेट 118 लोगों की जो है हम बोल सकते हैं डेथ हो गई नॉर्थ वेस्ट चाइना में, एंड स्पेसिफिकली ये 13 ईयर्स में वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स था। अर्थक्वेक का मैग्निट्यूड 6.2 था जो माउंटेनियस गैनसू प्रोविंस में हिट किया था। साथ ही साथ ये क्विंगाई प्रोविंस को भी हिट कर दिया। जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने एक स्विफ्ट एक्शन लिया, काफी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए गए ताकि जो लॉस है वो कम हो सके, एंड अ सम ऑफ 200 मिलियन युआन जो है ये डिमांड किया गया है लोगों के असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च किया बराकुडा जो नेशन का
फास्टेस्ट सोलार इलेक्ट्रिक बोट होगा। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया सस्टेनेबल मैरिटाइम टेक्नोलॉजी के लिए, जहां पे हमारे देश की फास्टेस्ट सोलार इलेक्ट्रिक बोट जो है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एक ऐसा कटिंग एज वेसल जिसका नाम होगा सौर शक्ति। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड द नवाल्ट, ताकि एक इको मराइन टेक जो है ये क्रिएट हो सके। साथ ही साथ जो बराकुदा है, इट इज अ सिंबल ऑफ एन एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी यूसेज, जो इंडिया का कमिटमेंट बताता है टूवर्ड्स अ ग्रीनर मैरिटाइम फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस इन द न्यू क्रिमिनल लॉ बिल। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल लॉ बिल, जहां पे बोला गया कि डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर हम इस वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे आईपीसी के, अगर उसके हिसाब से देखें तो द डेथ ऑफ द पेशेंट अंडर अ डॉक्टर्स केयर इज कैटेगराइज्ड एज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये सेक्शन जो है स्टिपुलेट करता था कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है थ्रू अ रैश और अ नेग्लिजेंट एक्ट, तो उससे डॉक्टर को जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो अमेंडमेंट ये एम कर रहा है कि डॉक्टर्स को हम अनवॉरंटेड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाए एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी को जो है ऑनर किया गया है विद द वीर चक्र। एक सेरेमनी हुई थी INS शिवाजी पे, जहां पे एस्टीम्ड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी द ओरिजिनल वीर चक्र अवार्ड दिया गया लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी को। अगर हम देखें तो बिनॉय रॉय चौधरी जो है उनके कंट्रीब्यूशन इंडियन नेवी के लेगेसी में डीपली रूटेड है इन द 1971 इंडो पाकिस्तान के वॉर में। वीर चक्र जो है स्पेसिफिकली गैलेंट्री अवार्ड है, जो बैटल फील्ड्स में वेदर लैंड एयर और सी में जो जवान है उनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दिया जाता है, उनके डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो के चंद्रयान 3 मून मिशन को लीव एरिस्टिन लूनार प्राइज अवार्ड जो है वो मिला है। ये एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फोकल पॉइंट एक रिकॉग्निशन है इसरो के ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन का, जहां पे इसने हमारे देश के जो सोलार सिस्टम के लिए जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है वो दे दी है। तो इट वॉज रिसीव्ड ऑन इसरोज बिहाफ बाय एम्बेसडर बाला सुब्रमण्यम श्याम, अंडरस्कोरिंग द इंटरनेशनल अक्लेम फॉर इंडियाज ग्रोइंग पावर्स इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये जो अवार्ड है इनका नाम, इस अवार्ड का नाम, इट इज नेम्ड आफ्टर आइकॉनिक नॉर्स एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन, द लीफ एरिक्सन लुनार प्राइज, जो अवार्ड किया जाता है बाय द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन द आइसलैंड। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही रिसीव जो है रिजर्व है, जिनका स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द लूनार एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश जो है ये लीड कर रहा है इन द सोलार पार्क स्कीम कैपेसिटीज। दो प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट्स राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स ले ली है। अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ द सोलार पार्क एंड द अल्ट्रा मेगा सोलार प्रोजेक्ट स्कीम। ये इनिशिएटिव लॉन्च करी गई थी 2014 में, जिसका मेन एम था कि कैसे हम फटाफट करके जो है सोलार जो है इस पावर एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और कैसे हम इस रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से रेडी टू यूज लैंड एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाएगी लैंड, रोड, पावर इवैक्यूएशन सिस्टम्स, वाटर फैसिलिटी एक्सेट्रा के लिए। अब आ जाते हैं गाइस हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कृत्रिम SI डिजाइंस, द न्यू AI वेंचर जो फोकस करता है इंडियन इकोसिस्टम पे, जिसका करेक्ट आंसर है भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द समाका सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द इंडियन पार्लियामेंट्स अप्रूवल। करेक्ट आंसर है हाई करिकुलम कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आकाश मिसाइल सिस्टम। करेक्ट आंसर है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया द जीपीआई समिट 2023? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है रियोवन अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़ बाय द बीजेपी? करेक्ट आंसर है विष्णु देव साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया परमिट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ द येलो पीज अंटिल मार्च 2024? जिसका करेक्ट आंसर है टू स्टेबलाइज द प्राइसेस एंड बूस्ट द डोमेस्टिक सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रेस्टिजियस टाइटल हैज द फेडरल बैंक रिसेंटली बीन अवार्डेड? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ द ईयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन? करेक्ट आंसर है संजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाटर एरिया में इंडियन नेवी ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स? करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ एडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रिसेंटली अवार्ड किया गया भूटान का प्रेस्टीजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द गोल्ड मेडल? करेक्ट आंसर है पूनम खेतरपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द व्यास सम्मान 2023? करेक्ट आंसर है पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023? करेक्ट आंसर है अंतिम पंगा। सो दैट्स इट गाइज, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोज। बी टू केयर एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा ब्रांच विजिट कर सकते हैं विच इज इन डोंबिवली, घाटकोपर और धादक।